अगर आपसे कोई सवाल करे कि दुनिया का सबसे कीमती पत्थर कौन सा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है हीरा। लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं मालूम कि हीरे के अलावा भी दुनिया में ऐसे ढेरों रत्न हैं जो न सिर्फ बेशकीमती हैं, बल्कि उनकी कीमत हीरे से भी कहीं ज्यादा होती है। इनकी कीमत जानने के बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, यहाँ हम कुछ ऐसे ही बेशकीमती रत्नों के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सबसे महंगे पत्थरों में से एक हैं। रेड बेरिल। रेड बेरिल भी कीमती रत्नों की सूची में आता है। ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट के मिश्रण से बनता है। विशुद्ध बेरिल की बात की जाए तो इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसके अंदर अन्य तत्वों की उपस्थिति से इसे लाल रंग मिल जाता है। दुनिया में सबसे पहले इसे उताह के थॉमस इलाके में खोजा गया था। बाजार में इस पत्थर की कीमत $10,000 यानी करीब 7 लाख रुपए प्रति कैरेट तक मिलती है। अभी तक इस कीमती पत्थर को 2 या 3 कैरेट से ज्यादा बड़ा नहीं खोजा जा सका है। एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों में से एक है। इसका नाम एलेक्जेंड्राइट प्रिंस अलेक्जेंडर द्वितीय के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस पत्थर की खोज उनके जन्मदिन पर ही 1830 में रूस के उरल नाम के पहाड़ों पे हुई थी। ये एक बहुत ही अद्भुत जेमस्टोन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अलग अलग रंगों की लाइट में अपना रंग बदलता है, और यही खासियत इसे और भी कीमती बनाती है। अब तक का सबसे बड़ा अलेक्जेंड्राइट पत्थर श्रीलंका में पाया गया है, जो कि 425 कैरेट का है। इस पत्थर की कीमत लगभग $15,000 यानी करीब 10.5 लाख रुपए प्रति कैरेट है। जेडाइट। ये जेडाइट जेमस्टोन खनिज, हीरे और नीलम से भी ज्यादा दुर्लभ है। इस पत्थर की खोज ग्वातेमाला और कैलिफोर्निया में हुई थी। ये जेडाइट पत्थर कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी और हरा। लेकिन इनमें से सबसे कीमती है हरे रंग का, जिसे इंपीरियल ग्रीन कहते हैं। ये रत्न आमतौर पे $25,000 प्रति कैरेट यानी करीब 18 लाख रुपए प्रति कैरेट के दाम पर बिकते हैं, लेकिन कुछ जेडाइट करोड़ों रुपयों में भी बिके हैं। हांगकांग में एक हार बनाया गया था जो कि 27 जेडाइट पत्थरों को मिलाकर बनाया गया था, और वो हार $98,00,000 यानी लगभग 70 करोड़ में बिका था, जिसे अमेरिका की बारबेरा हुटन नाम की महिला ने खरीदा था। 1970 में बारबेरा की मौत के बाद किए गए नीलामी में ये हार 203 करोड़ में बेचा गया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। ब्लैक ओपल। ओपल रत्न एक रंगीन रत्न है। ओपल रत्न धारण करने वाले लोगों की जिंदगी में ये प्यार और खुशी लाता है। ये सभी रत्नों में से सबसे रंगीन है, और इसके इंद्रधनुषी रंगों के खेल के कारण ये सभी रत्नों में सबसे अधिक सुंदर दिखाई देता है। ओपल रत्न ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय रत्न है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ब्लैक ओपल रत्न की सबसे बड़ी खदान है, जिसे कैपिटल ऑफ ब्लैक ओपल कहते हैं। ये रत्न कार्बन और आयरन ऑक्साइड से भरपूर होता है। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। इस ब्लैक ओपल की मार्केट में कीमत $40,000 प्रति कैरेट है, यानी करीब 28 लाख रुपए प्रति कैरेट। टेफाइट। ये सभी कीमती पत्थरों का सरताज है, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत $10,00,000 यानी करीब 7 करोड़ रुपए प्रति कैरेट तक है। आज तक के खनन के इतिहास में पूरी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा टेफाइट खोज कर निकाले जा सके हैं। इस रत्न को अपने शुरुआती दौर में इससे मिलता जुलता एक दूसरा रत्न स्पाइनल ही समझा जाता था। 1945 में इसको सबसे पहले आयरलैंड के डबलिन में खोजा गया, लेकिन वहाँ ये किसी खान में नहीं बल्कि एक जौहरी के पास तराशा हुआ मिला। दरअसल हुआ यूं कि इसे स्पाइनल समझकर जौहरी ने इसे तराशा, और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये एक बहुत ही दुर्लभ पत्थर है जो अभी तक खोजा नहीं गया।
आज भी बहुत से लोग इसे स्पाइनल समझने की भूल कर बैठते हैं। ये बेरियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बनता है। फिलहाल ये श्रीलंका और तंजानिया में पाया जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट जरूर करना, और हो सके तो एक लाइक भी करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।